नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से आपको, बहुत ही नॉलेजेबल वाली वीडियो होने वाली है। दोस्तों कई सारे लोगों को आज भी पता नहीं है कि छतरी का इस्तेमाल कैसे करना है। छतरी मीन्स आप समझ ही गए होंगे, उसको यूज कैसे करना है, सही तरीका उसका इस्तेमाल करने का क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बताते हैं कि हम अगर वो यूज करते हैं तो हमारा जो है फट जाता है। ठीक है, तो कई मेरे व्यूअर्स में भी मुझे कई बार मुझे कमेंट भी आए हैं कि हम जब भी कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर वो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा फट जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनियां जो कॉन्डम्स बनाती हैं वो बकायदा टेस्ट होते हैं और उसके बाद वो कंपनी जो है मार्केट में लॉन्च करती है कॉन्डम्स को, और वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं और एक्स्ट्रा जो उनका रबड़ होता है वो जल्दी से फटता नहीं है। लेकिन फिर भी काफी लोग कहते हैं कि हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो फट जाता है। तो दोस्तों आज मैं यही आपको जो है वीडियो में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे आपको जो ये जो आप ये बोलते हो कि फट जाता है तो ये प्रॉब्लम ना हो। असल में कॉन्डम बहुत ही मतलब मजबूत होता है, उसकी रबड़ जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है। कितना भी आप फुला लो, देखो आप फुला के एक बार चेक करके देख लो, वो कभी फटेगा नहीं। बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। फिर आपके इतने से है उससे वो कैसे फट जाएगा, आप सबसे बड़ी बात है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे उसको सही इस्तेमाल करना है और कैसे उसको यूज करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें और ऑल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो दोस्तों चलो प्रैक्टिकल करके एक बार दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है कामसूत्र का एक कॉन्डम और अभी हम क्या करते हैं, इसको हम खोल लेते हैं। इसको हम खोलते हैं और खोलने के बाद इसका हमें यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस तरीके से हमें इसको निकालना है। ये हमने निकाल लिया है और अभी देखेंगे इसमें लुब्रिकेंट भी होता है, अंदर काफी जेल होता है, तो अलग से आपको ये जेल वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, इस हिस्से को हमें यहां से अपने उसको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। सपोज करो ये आपका प्राइवेट पार्ट है आपका, और आपको यूज कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है यहां से आपको ये डालना है, ऐसे करके डालना है और ऐसे आपको चढ़ा देना है। और आपको करना क्या है, जो आगे का हिस्सा है, अक्सर क्या होता है लोग जब पहनते हैं, पहनने से क्या होता है आगे वाला जो हिस्सा है इसमें एयर भर जाती है, हवा भर जाती है। अगर इस वाले हिस्से में यहाँ पर ये फूल गया, अगर जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पर फूल गया, अगर इसमें एयर भर जाएगी, हवा भर जाएगी, तो चांसेस होते हैं फटने के। तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, डायरेक्ट जल्दबाजी में ऐसे पहन लेते हैं और पहन के जो है इस तरीके से पहन लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे पहन के। तो आगे वाले हिस्से में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ना हवा भर जाती है, फूल जाता है, मोटा सा हिस्सा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब एयर भर जाएगी तो फिर क्या होता है, जब अंदर धक्के लगते हैं, जोर जोर के धक्के लगेंगे जब, तो क्या होता है ये वाला जो हिस्सा है रबड़ वाला हिस्सा, जब इसमें हवा होगी, जैसे अभी आप देख सकते हैं हवा है इसमें, तो हवा होगी तो ये ना फट जाता है। तो फटने के बाद क्या होता है, जो अंदर का माल होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उससे बच्चा ठहरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क हो जाता है। तो आपको पता ही है हम यूज क्यों कर रहे हैं छतरी, तो इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि बच्चा वगैरह ना ठहरे। लेकिन ज्यादातर लोगों की जो समस्या है वो ये होती है कि वो ढंग से यूज नहीं करते। तो आपको करना क्या है, आपको इसको इस वाले हिस्से को अच्छी से तरह दबाना है और यहां से दबा के फिर ऐसे करके चढ़ाना है, इस तरीके से ऐसे चढ़ाना है। जब इसमें बिल्कुल हवा नहीं भरेगी, बिल्कुल आपके उससे चिपक जाएगा, ऐसे करके इस तरीके से चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, तब बिल्कुल भी फटने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसे करके यहां से ऐसे रहेगा, ये इतना फूला रहेगा और इसमें हवा रहेगी, तो ये फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी पहने तो आगे वाले हिस्से को दबाएं
और ऐसे पकड़ के ऐसे पहन ले ताकि इसमें हवा ना भर पाए आगे वाले हिस्से में। इस तरीके से आप जो है इसका यूज करें तो आपका कभी नहीं फटेगा। आप एक बार ऐसा ट्राई करके देखें और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आप जो है बिल्कुल अच्छे से यूज कर पाएंगे और बढ़िया से यूज कर पाएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपका कॉन्डम कभी भी नहीं फटेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्डम का और छतरी जो दोनों चीजें इसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों कुछ पूछना हो तो कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।